हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पर। इस वीडियो में हम जनवरी के थर्ड वीक के सारे करंट अफेयर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में विभिन्न देशों के पासपोर्ट को रैंक किया जाता है इस आधार पर कि किसी देश के पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं। तो इस सूचकांक में जापान लगातार 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर आ रहा है। एक आदमी अगर जापान का पासपोर्ट होल्डर है, जापान का पासपोर्ट धारक है, तो वो विश्व के 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। वहीं भारत का इस सूचकांक में रैंक है 84वां। तो एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो बिना वीज़ा के 60 देशों में जा सकते हैं। अगला है रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और पूरा कैबिनेट भी उनके साथ ही इस्तीफा दे दिया और रूस के राष्ट्रपति जो कि पुतिन हैं उन्होंने उनके इस्तीफा को मंजूर कर लिया क्योंकि बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया है रशिया में और दिमित्री मेदवेदेव अब प्रधानमंत्री ना होकर के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आगे विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि जलवायु से संबंधित परेशानियां या जोखिम विश्व को सबसे ज़्यादा असर करेगी। उसके अलावा भू राजनीतिक अस्थिरता यानी कि जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी एक बड़ा जोखिम माना गया है। और स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है कि हायर इन्फ्लेशन और हायर अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं महंगाई यानी कि मुद्रा की जब वैल्यू कम हो जाए और चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएं तो स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है। तो स्टैगफ्लेशन के बढ़ने के आसार हैं और स्टैगफ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी तो तरह तरह के विरोध प्रदर्शन भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने विकास के चरम पर है लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के मामले में इनइक्वालिटीज़ आएंगी। कोई देश काफ़ी आगे निकल जाएगा तो कोई देश पीछे ही रह जाएगा। आगे है आसाम सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $88 मिलियन का एक डील पर साइन किया है। इस समझौते के अंदर में क्या होगा, आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उस पर अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना का विकास किया जाएगा यानी कि इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट किया जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अगला है लद्दाख में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन 16 जनवरी 2020 को खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में लद्दाख एक्शन प्लान फॉर फूड प्रोसेसिंग प्रस्तुत किया गया है और इसमें चैनल मैपिंग पर बल दिया गया। आगे है भारत और जापान के तट रक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड्स के बीच सहयोग कैजिन नामक एक अभ्यास शुरू हुआ है और ये अभ्यास चेन्नई बंदरगाह पर किया जा रहा है। चेन्नई बंदरगाह पर कौन सा, सहयोग कैजिन नामक अभ्यास। फिर सिंधी लेखक एक हैं वासुदेव मोही, उनको 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। वो लघु कथाएं लिखते थे तो उनका एक प्रसिद्ध लघु कथा है चेकबुक, तो इसी चेकबुक के लिए उन्हें 29वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। इस लघु कथा में वे समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन किया करते हैं। फिर है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर चुन लिए गए। और किसको रिप्लेस करके वो डायरेक्टर निदेशक बने हैं, तो रीता चौधरी। तो युवराज मलिक को याद रखना है कि नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक। फिर है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना 47वां स्टेटहुड यानी कि राजत्व दिवस मनाया। ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाए थे। तो ये तीनों स्टेट्स का नाम याद रखना आपको, त्रिपुरा,
मणिपुर और मेघालय। अब आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने उत्तर पूर्वी युद्ध क्षेत्र में विंग्ड रेडर नामक एक अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये एक्सरसाइज का नाम याद रखें, विंग्ड रेडर किसने किया, तो भारतीय सेना ने किया। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे, यूक्रेन के एक 35 वर्षीय प्रधानमंत्री बने थे ओलेक्सी होनचारुक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर नई दिल्ली में हाल ही में एनडीआरएफ का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में, तो 2020 में 15वां वर्ष अपना उन्होंने मनाया है। और एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में। एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है और गृह मंत्री जो कि अभी अमित शाह हैं वो एनडीआरएफ के चेयरमैन भी होते हैं। अब आगे देखते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर यानी कि एनआईसी ने हाल ही में बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर खोला है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर क्या करेगा, इसमें डेटा को क्लाउड में सुरक्षित रखा जाएगा और इससे डेटा को कॉपी किए बिना ही विकेंद्रीकृत किया जा सकता है। ये डेटा सुरक्षा रखने की एक सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था है। इस टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, लिटकॉइन और भी बहुत सारे। और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, सब आपस में लिंक्ड होते हैं। और इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन, क्राउड फंडिंग, गवर्नेंस, फाइल स्टोरेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी किया जाता है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। फिर चीन के कई शहरों जैसे वुहान, शंघाई आदि में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण समुद्री भोजन से हो रहा है। ऐसे में भारत में इस वायरस के फैलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत में समुद्री भोजन का आयात बहुत ही कम है। फिर केंद्रीय सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है। कब से कब तक, तो 11 से 17 जनवरी तक इसमें लोगों को ट्रैफिक के नियमों से अवगत कराया गया। फिर 19 जनवरी 2020 को भारत ने K4 परमाणु मिसाइल टेस्ट फायर किया है। K4 परमाणु मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जाने में ये सक्षम है और इसका रेंज 3500 किलोमीटर तक है, इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। और ये अरिहंत क्लास के पनडुब्बी यानी कि सबमरीन में इसे लगाया जाएगा। अब आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत का इस वर्ष विकास दर मात्र 5.7% ही रहेगा, हालांकि अगले वित्त वर्ष उम्मीद है कि विकास दर बढ़कर 6.6% रहेगी और विश्व का विकास दर 1.8% रहने का अनुमान है। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर अब रख दिया है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम। और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत में विकसित ट्रू नेट MTB का अनुमोदन किया है, इसके द्वारा टीबी का पता लगाया जा सकता है। फिर भारत ने 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा है। तो ये वर्ष आपको याद रखना है कि भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2025 तक। आगे देखते हैं, रशिया ने S-400 मिसाइल का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है और इसका डिलीवरी भारत को 2025 तक कर दिया जाएगा। S-400 मिसाइल अभी वर्तमान में सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है
और भारत इसे प्राप्त करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले रूस, बेलारूस और चीन तीन देश हैं जिसके पास S-400 मिसाइल ऑलरेडी हैं। इसके अलावा टर्की भी एक देश है जो S-400 मिसाइल खरीदने को तैयार है। आगे भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने विनेश ने फाइनल में इक्वाडोर के पहलवान को पराजित किया और ये 2020 में विनेश फोगाट का प्रथम स्वर्ण पदक है और विनेश फोगाट एक महिला पहलवान है। फिर है दक्षिण अफ्रीका के आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो वेन्यू को क्या होगा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप? दक्षिण अफ्रीका। और इसमें भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व प्रियम गर्ग द्वारा किया जा रहा है। तो प्रियम गर्ग नाम इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा भारत ने पिछली बार इस प्रतियोगिता को जीता था और भारत ने कुल 4 बार अभी तक अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। अब आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने यह घोषणा की है कि कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को आधा करेगी। इसके लिए कंपनी ने क्लाइमेट इनोवेशन फंड का भी निर्माण किया है। इस क्लाइमेट इनोवेशन फंड में लगभग $1 अरब का निवेश कंपनी करेगी। उसके अलावा सानिया मिर्जा ने यूक्रेन के नादिया किचेनोक के साथ मिलकर WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता है। कौन सा ट्रॉफी? तो WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी। किसे हराकर? तो चीन की सुआई पेंग और सुआई झोंग को फाइनल में 6-4 और 6-4 से पराजित कर सानिया मिर्जा और नादिया किचेनोक ने इस प्राइज को जीता। फिर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। उसके अलावा इस अवार्ड से पहले सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को, मदर टेरेसा को और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सराब जी को। अब आगे, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद ने हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जिसे अंग्रेजी में HURL कहते हैं, के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले को लॉन्च किया है। इस ब्रांड को याद रखें, अपना यूरिया सोना उगले। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि HURL के 3 बीमारू यूरिया प्लांट को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। वो प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर बरौनी और सिंदरी जो कि झारखंड में है। फिर से रिपीट करता हूँ, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, इन तीनों प्लांट्स को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। फिर अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स, एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, उसने हाल ही में क्रू कैप्सूल का निरीक्षण किया है। इसमें उसने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया और इसमें ये देखा गया कि अगर रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर कैसे उतारा जाए। और ये परीक्षण बिल्कुल सफल रहा और जल्द ही अब स्पेसएक्स ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजेगी। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होती है। आगे का वीडियो का इंतजार करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।